हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कम है आज के, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं जो कि आपको याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैत्री सेतु का शुभारंभ कौन से देश के साथ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैत्री सेतु का शुभारंभ बांग्लादेश के साथ मिलकर किया है। ये एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि कहां से कहां कनेक्ट करेगा। आप यहां पर बॉर्डर देखिए, ये है हमारा WB बॉर्डर और इसको इस तरीके से अगर ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो आपका बिहार आ गया, ऊपर इधर ये आपका आसाम लग रहा है, आसाम के नीचे आ जाएंगे मेघालय लगेगा, इधर की ओर आ जाते हैं और नीचे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर त्रिपुरा लगेगा। तो ये जो सेक्शन है, ये वाला त्रिपुरा वाला ये जो सेक्शन है, यहां से बांग्लादेश तक खींचा जाएगा एक ब्रिज, इसी ब्रिज का नाम है मैत्री सेतु। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मैत्री सेतु जो है वो भारत के कौन से राज्य से कनेक्टेड है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ये त्रिपुरा से कनेक्टेड है। कहां से? त्रिपुरा से कनेक्टेड होगा बांग्लादेश तक। इस ब्रिज को बनाने के लिए 133 करोड़ की लागत आएगी। ओके, और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये जो ब्रिज होगा आने वाले टाइम पे यही नॉर्थ ईस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? इसको नॉर्थ ईस्ट गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखना, मैत्री ब्रिज जो है या मैत्री सेतु है, ये त्रिपुरा से बांग्लादेश तक जोड़ेगा भारत को। आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैत्री रेल के बारे में, मैत्री सेतु के बारे में या फिर मैत्री किसी भी सर्विस के बारे में, तो अगर आप मैत्री नाम सुनना तो आप हमेशा ध्यान रखना बात हो रही है बांग्लादेश की। इसके लिए आप तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है एग्जैक्टली, क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रहे भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के साथ जितनी भी स्कीमें लॉन्च करी गई हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो सब मैत्री नाम से ही लॉन्च करी गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग और यहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। ध्यान रखिए, इस साल 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में बांग्लादेश सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया है। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा बांग्लादेश वायुसेना को एक हेलीकॉप्टर दिया गया है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये है एलीट हेलीकॉप्टर, एलीट 3 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि इसका यूज भारतीय वायुसेना के द्वारा 1971 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था और उसी के बाद बांग्लादेश की स्थापना करी गई थी। तो इस बार 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए। इस उपलक्ष्य में हमारी वायुसेना के द्वारा एलीट 3 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया गया है बांग्लादेश की वायुसेना को। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, ये काफी बड़ी न्यूज है कल के ही दिन की, ये कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं जिसके द्वारा अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया गया है? आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा रिजाइन कर दिया गया है। ये तब संभव हुआ जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद मीडिया में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि इनका अल्टीमेटली कहना है कि MPs और MLAs के बीच में जो ऑपरेशन फंक्शनिंग है, उसका जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो मैच नहीं खा रहा है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो MLAs हैं उनसे फंक्शनिंग स्टाइल मैच नहीं कर रहा है MPs का, या फिर MPs को उनका फंक्शनिंग स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, वॉट एवर। तो यहां पर फाइनली सरकार गिर गई है, सरकार ने सीधे सीधे रिजाइन कर दिया है, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा रिजाइन कर दिया गया है उत्तराखंड में। यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी और यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गवर्नर है यहाँ पर कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है ऑल इन वन सिंगल हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखो, भारतीय रेलवे के द्वारा एक नंबर लॉन्च कर दिया गया है और इस नंबर के एवज में जितने भी हेल्पलाइन नंबर थे उन सबको खत्म कर दिया गया है। तो भारतीय रेलवे ने एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर 139 लॉन्च किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने आपको पिछले साल बताया था कि पिछले साल की शुरुआत में इंडियन रेलवेज के द्वारा 139 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, लेकिन तब में और अब में अंतर क्या है? तब में ये अंतर था कि 139 को लॉन्च किया गया था इंक्वायरी सर्विसेज के लिए और कंप्लेनिंग सर्विसेज के लिए। इसके अलावा जो भी हेल्पलाइन नंबर थी वो पहले से चल रही थी, लेकिन अब भारतीय रेलवे ने क्या किया है, बाकी सब हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए हैं, सिर्फ सारी फैसिलिटीज एक ही हेल्पलाइन नंबर में दे दी है जो कि है 139। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, भारतीय रेलवे के द्वारा ये जो 139 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ये कितनी भाषाओं में जारी किया गया है? ये 12 भाषाओं में जारी किया गया है, 12 लैंग्वेजेस में। और इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है? 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली 1 अप्रैल 2021 के बाद से अगर आप रेल यात्रा कर रहे हो भारत में तो आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, वो है 139। आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी इंक्वायरी हो, हर एक चीज का समाधान आपको 139 नंबर के तहत मिल जाएगा। और इंडियन रेलवे बोर्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 को टॉप किया है? अभी हाल ही में अमेरिकन एजेंसी जिसको हेरिटेज फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया 2021 का, जिसको इस बार टॉप किया है सिंगापुर ने। देखिए, यहाँ पर मैंने एक पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, वैसे अभी मैं आपको इस एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ, समझो। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। ये फाउंडेशन कहाँ की है? ये अमेरिकन फाउंडेशन। दूसरा क्वेश्चन, इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो आपका आंसर होगा सिंगापुर। सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड रहा, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, चौथे नंबर पे यहाँ पे स्विट्जरलैंड रहा और पांचवें नंबर पे यहाँ पे रहा आयरलैंड। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इस बार के इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? तो भारत ने 121वीं रैंक सिक्योर करी है, 121st रैंक। तो एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, हर एक बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड ऑल स्कीम्स इन हाउ मेनी अम्ब्रेला स्कीम। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में हमारे देश की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अम्ब्रेला स्कीम कितने स्कीम्स में लॉन्च करी गई। कहने का मतलब, अम्ब्रेला स्कीम जो है ये कितने फेज में लॉन्च करी गई? इसको 3 फेज में लॉन्च किया गया है। कितने? 3 फेजेस में। पहला फेज जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इसका मेन मकसद यह है कि इस स्कीम के तहत जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जो कि आंगनवाड़ी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उनकी केयर टेकिंग करी जाए खास तरीके से। और पोषण 2.0 का मेन उद्देश्य यह है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी ना होने पाए, मतलब बच्चे कुपोषण का शिकार ना होने पाए। दूसरी जो स्कीम है इसका नाम है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल बड़े बच्चे हैं उनके बीच के बच्चों के लिए, मतलब कहने का कि जो आपके प्राइमरी विद्यालय के मतलब जो क्लास 5th से लेकर 11th तक के जो स्टूडेंट है उनके लिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, जैसे कि स्कॉलरशिप स्कीम वगैरह, मिशन वात्सल्य के तहत आ जाती है। और जो तीसरी और आखिरी फेज इसका लॉन्च किया गया है अम्ब्रेला स्कीम का, इसका नाम है मिशन शक्ति, मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन। ये स्पेशली महिलाओं के लिए लॉन्च करी गई है। इसका मेन मकसद ये है, इसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आ जाता है, मतलब वुमेन्स की या आप बोल सकते हो गर्ल्स की जो एजुकेशन है उस पर सरकार की तरफ से लगातार सब्सिडी दी जाएगी आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए भी। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो महिलाओं के संरक्षण के लिए कई सारी स्कीम जैसे कि चलाई जा रही हैं, विडो होम स्कीम जो कि हमारे साथ समाज में जो बिलो पावर्टी लाइन विडोज हैं उनको भारत सरकार की तरफ से घर दिए जाने का प्रावधान है,
उज्ज्वला स्कीम, जिसमें आप देख सकते हो भारत सरकार की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाने का प्रावधान है। विमेन्स हेल्पलाइन, इसका मकसद क्या है, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना। महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम, इसका मकसद यह है कि हर एक गांव में एक महिला पुलिस की तरफ से अपॉइंट करी जाएगी और इस महिला का काम यह होगा कि गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में किसी भी महिला के साथ वायलेंस कर रहा है या फिर उसे उसके अधिकार किसी भी तरीके से छीन रहा है, तो यह महिला सीधे पुलिस को कॉन्टेक्ट करेगी और पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी उस व्यक्ति के खिलाफ। महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम में सरकार की तरफ से उस महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस तरीके की जितनी भी स्कीमें हैं जो कि महिलाओं के संरक्षण के लिए लॉन्च करी गई हैं, इन सभी को मिशन शक्ति स्कीम के तहत रखा गया है। तो आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन 3 फेजेस में अम्ब्रेला स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है, स्मृति ईरानी के पास है। इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है, ये 2 मंत्रालय संभाल रही है। ये कौन सी भारतीय अमेरिकन मूल की महिला हैं जिनको अभी हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नौरीन हसन। नौरीन हसन, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की बात करें तो इसकी स्थापना 1914 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। हु हैज इनॉग्रेटेड ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन, जिसका नाम है अक्षय पात्रा। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में अक्षय पात्रा नाम की ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? इसका शुभारंभ हमारे कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। अब देखो, ये जो ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन है, एक तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है? और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें महिलाओं के द्वारा तैयार करी गई जितने भी आर्ट हैं या चित्रकारी है, उन सभी को प्रमोट किया गया है। आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये अभी परसों से स्टार्ट हुआ है, 8 मार्च से। ये कब तक चलेगा? 20 मार्च तक चलेगा। पूरे विश्व भर से इसमें 12 देश भाग ले रहे हैं। कितने? 12 कंट्रीज पार्ट ले रहे हैं। और इसका वेन्यू क्या है? इस बार ये आर्ट एग्जीबिशन कहाँ लगाई गई? ये लगाई गई रविंद्र भवन में। कहाँ पे? रविंद्र भवन। रविंद्र भवन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नई दिल्ली में। तो एक बार फिर से समझो, नई दिल्ली के रविंद्र भवन में ऑल वुमेन्स आर्ट एग्जीबिशन, जिसका नाम है अक्ष पात्रा, इसका शुभारंभ कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया, और इसमें 12 देशों के द्वारा पार्ट लिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड डस्ट लीग 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत की आर्मी के द्वारा डस्ट लीग 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश की आर्मी के साथ कंडक्ट करी गई? यह हमने उज्बेकिस्तान के साथ कंडक्ट करी हुई है। और यह किस तरीके की एक्सरसाइज थी? ये आर्मी एक्सरसाइज थी, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत की तरफ से 13th कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्ट लिया है। इसका वेन्यू क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका वेन्यू था उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है चौबतिया। क्या नाम है? चौबतिया। उत्तराखंड के चौबतिया में डस्ट लिक 2021 नाम की आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। आपसे ये भी पूछ सकता है, इस बार जो डस्ट लिक एक्सरसाइज करी गई है, ये कौन सा एडिशन था? ये सेकेंड एडिशन था। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? आज का क्वेश्चन आपसे यही है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, मंगोलिया की कैपिटल है उलान बतर, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा कितने का बजट लॉन्च किया गया है? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा 69,000 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया है। 69,000 CR का बजट लॉन्च किया गया है, और ये बेसिकली लॉन्च किया गया दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस बजट के तहत 2 नई चीजें रखी गई। पहली तो नई चीज ये है कि इन्होंने 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये पैसा किसमें लगाया जाएगा? पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 500 ऐसी जगह सिलेक्ट कर रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, जहां पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया जाएगा। इसके अलावा 10 करोड़ सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं 75 हफ्तों का
75 वीक्स का एक देशभक्ति सेलिब्रेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा भगत सिंह के ऊपर। किसके ऊपर? भगत सिंह के ऊपर। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इस बजट में भगत सिंह के ऊपर 75 हफ्तों का एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी, भगत सिंह के चलाए गए जितने भी आंदोलन है उन सब के बारे में बताया जाएगा और भगत सिंह की देशभक्ति के बारे में बताया जाएगा, जो कि 75 हफ्तों तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है विच हैज बिकेम फर्स्ट टू लॉन्च कंप्लीट बजट ऑन जेंडर बजट कॉन्सेप्ट। भारत की पहली ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपना पूरा बजट जेंडर बजट कॉन्सेप्ट के तहत लॉन्च किया है। देखो, जब भी मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, जितने भी मेरे प्लस वाले स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज को बड़ी आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। मैं आपको जब भी बजट पढ़ाता हूँ तो वहां पर एक तरीके का बजट का जिक्र करता हूँ, जीरो, परफॉर्मेंस बेस्ड, आउटकम बजट। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ जेंडर बेस्ड बजट एक होता है। जेंडर बेस्ड बजट होता क्या है? सरकार के द्वारा एक ऐसी धनराशि आवंटित करी जाती है जो कि सिर्फ महिलाओं के वेलफेयर में यूज करी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए लागू करने वाली स्कीमों के लिए वो पैसा लगाया जाएगा। तो ये है आंध्र प्रदेश में वाईएस जगमोहन रेड्डी की सरकार। इन्होंने भारत में पहली बार ऐसी राज्य सरकार बन के दिखाया जिसने जेंडर बजट कॉन्सेप्ट पर अपना पूरा बजट लॉन्च किया है। इसमें जो नई चीज देखने को मिली, इनके बजट के तहत इन्होंने कहा है कि अब आंध्र प्रदेश के अंदर हर पुलिस स्टेशन में विमेन हेल्प डेस्क जारी करी जाएगी। विमेन हेल्प डेस्क, अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि कोई भी महिला आंध्र प्रदेश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो उसको स्पेशल विमेन हेल्प डेस्क मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही उसको एंटरटेन करेंगे। यहाँ पे गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन। कर्नाटक में बी एस येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर है वजुभाई वाला। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आप सभी को बता देता हूं, आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं। आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है। 11 तारीख से मैंने आपको पहले ही बता रखा है, 11 से लेकर 17 तारीख तक मैं लगातार ल्यूसेंट के जो क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस है आपको एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीएचएसएल में यहां से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, हर दिन शाम को 5 से लेकर 6 बजे के बीच में। ये जो क्लासेस हैं ये सभी स्पेशल क्लासेस होंगी अन अकेडमी पर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सात की सातों क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आपको क्लिक करके उसमें नोटिफाई मी के ऑप्शन को क्लिक करना है या फिर रजिस्टर के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब भी आप क्लास खोलोगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा, आप डाल दीजिएगा Varun777। जैसे ही आप Varun777 डालोगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का फायदा मिल जाएगा। तो केवल 24 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म से दिक्कत है तो विश्वास मानिए जिनको तैयारी करनी है वो कर लेंगे, लेकिन आप रह जाओगे। तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।